हेलो एवरीवन, तो ये हमने बनाया है डीसी मोटर कंट्रोल स्पीड कंट्रोल सर्किट। इसमें हमने पहले ब्रिज यूज़ किया, ब्रिज के लिए जो डायोड यूज़ किया है हमने वो IN54008 है, जिसे हम डायरेक्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और जैसा हम पहले से जानते हैं कि डीसी मोटर में हमारी दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये वाला जो सेक्शन है वो फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, और हम कंट्रोल सेक्शन जो बनाए हैं वो कंट्रोल सेक्शन बनाए हैं आर्मेचर वाइंडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। फील्ड वाइंडिंग हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मोटर नहीं है हमारे पास, तो हमने दो टेस्ट लैंप्स का यूज़ किया है इसको दर्शाने के लिए। तो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो लाइट की तीव्रता होगी, वो एकदम कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसे हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा, ये TYN SCR की मदद से हमने इस कंट्रोल सर्किट को बनाया है। तो जो SCR हमारा TYN 612 है, और रिवर्स और फॉरवर्ड में लगे हुए जो कुछ डायोड हैं वो है BY127, और डायक से हम ट्रिगर करा रहे हैं ये SCR को अपने, और SCR को पोटेंशियोमीटर की मदद से हम इसको कट कर रहे हैं फेज को, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो कंट्रोल हो रहा है। तो इसको एक बार डेमोंस्ट्रेट करके देखते हैं। तो जैसा हमने अभी देखा कि जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन करी तो पावर हमारा पहुंचा ये ब्रिज तक, और ब्रिज से डायरेक्ट हमारा फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, जो कि फील्ड वाइंडिंग पूरी अपनी इंटेंसिटी के साथ पूरे वोल्टेज को कंज्यूम करते हुए जल रहा है अच्छे से, बट हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जल नहीं रहा है। तो हम पोटेंशियोमीटर से फिर इसको वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं इसके लिए, और देखते हैं कि ये एक्चुअली ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने SCR को इसको ट्रिगर किया, पोटेंशियोमीटर से SCR को ट्रिगर किया, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ी। और इसी तरीके से हम डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जब हम आर्मेचर वाइंडिंग के वोल्टेज को कम और ज़्यादा करेंगे तो डीसी मोटर का जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा होगा, जो हमने SCR की मदद से इसको बनाया है इस सर्किट को। और जब हम इसके स्पीड को कम करेंगे तो लैंप की इंटेंसिटी कम होगी, आर्मेचर घट जाएगा उसके जी, आर्मेचर की वोल्टेज कम होगी, तो उसके बाद उसकी इंटेंसिटी यहाँ कम हो रही है, वहाँ स्पीड कम होगी। इसको हमने टेस्ट किया है टेस्ट लैंप की मदद से, इस सर्किट को टेस्ट किया है। यही स्पीड का डीसी मोटर सर्किट से कंट्रोल सर्किट को स्पीड कंट्रोल करने का यही सर्किट है। इसी तरीके से फील्ड एकदम कॉन्स्टेंट रहेगा, फील्ड नहीं बदलेगा बिल्कुल भी, और आर्मेचर को हम कंट्रोल करेंगे अपने SCR की मदद से, जो हमने यहाँ कंट्रोल सर्किट बनाया है इसको। थैंक यू।